हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को दरभंगा सीनियर क्लास में स्वागत है। तो आज हम ये ईवीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए जा रहे हैं, जो कि हर बार क्वेश्चन पूछता है, हर बार क्वेश्चन आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आप लोग को इसको देखने के पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जिससे कि आगे आपको वीडियो बना रहेगा। मेरा यूट्यूब पर चैनल है सीटेड फैक्ट्री DCC, यानी दरभंगा सीटेड क्लासेस के नाम से, है ना। और इसका नाम हम रखे हैं, निक नेम है, अच्छा नेम है, सीटेड फैक्ट्री, है ना। और दरभंगा में जो चलता है इसका नाम है दरभंगा सीटेड क्लास। तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्यों, क्योंकि इसमें पैसा आपको एक रुपया भी नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने में आएगा, सीटेड के क्वेश्चन देखिएगा, यानी जितना भी क्वेश्चन लिखाए हैं अभी, जितना भी बोर्ड पर देख रहे हैं, हर एक साल पूछा गया है सीटेड, है ना। हर एक बार एक ना एक, दो ना दो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक भी ऐसा क्वेश्चन है जिसको नहीं पूछा गया। समझ में आ गया, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि कौन ऐसा चिड़िया है जो कि अपना अंडा सड़क के किनारे पत्थर के बीच में देते हैं। तो कौन ऐसा चिड़िया है जो कि अपना अंडा सड़क के किनारे पत्थर के बीच में देते हैं। इसका नाम है इंडियन रॉबिन। क्या नाम है? इंडियन रॉबिन, या नहीं तो दूसरा नाम इसका किलचरी भी। समझ में आया, इंडियन रॉबिन बोलिए या किलचरी बोलिए। दूसरा क्वेश्चन है, कौन ऐसा चिड़िया है जो कि, कौन ऐसा पक्षी है जो कि अपना गर्दन 360 डिग्री तक घुमा लेती है। कौन ऐसा पक्षी है जो कि अपना गर्दन 360 डिग्री तक घुमा लेती है। इसका आंसर क्या होगा? 360 डिग्री पर घुमाने वाले पक्षी है उल्लू। यानी उल्लू ऐसा पक्षी है जो कि 360 डिग्री तक अपना गर्दन घुमा लेती है। डॉक्टर के टीम ने बैठ करके देखा कि उल्लू जो 360 डिग्री तक अपना गर्दन घुमा लेता, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम भी आता है? तो नहीं, उन्होंने देखा कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसका जो है नेचर है, है ना, इसको जो है ये घुमा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन ऐसा चिड़िया है जो कि अपना घोंसला, यानी अपने चोंच से पत्तों को, दो पत्तों को जोड़ करके अपने चोंच से सी करके बनाता है, जिसका नाम क्या है? दर्जी चिड़िया। क्या नाम है? तो आप लोग को ट्रिक याद रखना पड़ेगा कि दर्जी ही सीने का काम करता है, इस चिड़िया का नाम है दर्जी चिड़िया। कौन ऐसा पक्षी है कि अपना घोंसला सबसे ऊपर पेड़ के डाली पर बनाता है? कौन ऐसा? तो कौआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन ऐसा चिड़िया है जो कि अपना घोंसला पुराने घरों में बनाते हैं? कबूतर और गोरैया जो है, पुराना घर जितना देखिएगा वहां कबूतर और गोरैया घोंसला बनाने का काम करेंगे। उसके बाद कौन ऐसा पक्षी है जो कि अपना घोंसला कैक्टस के पौधे और मेहंदी के पौधे के अंदर देता है, यानी उसके जड़ के पास देता है? तो वह पक्षी का नाम क्या है? फाकता, यानी बहुत नीचे अंडा देता है, यानी सॉरी, बहुत नीचे घोंसला बनाता है। क्या करता है? बहुत नीचे घोंसला बनाने का काम करता है, यानी इसका नाम है फाकता, पक्षी का नाम है। और यह कौन सा, तो इसको कहते कौन सा पेड़ का नाम क्या है? इस पेड़ का नाम है कैक्टस और मेहंदी, ठीक है। अगला है, कौन ऐसा चिड़िया है जो कि अपना गर्दन झटके के साथ घुमा रही है, अपना गर्दन झटके के साथ ऐसे 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 करके घुमा सकती है? तो वो क्या है? मैना। उसके बाद है, कौन ऐसा पक्षी है जो कि अपना घोंसला लटक करके बनाती है? तो वह कौन है? शकरखेड़ा। क्या नाम है उसका? शकरखेड़ा ऐसा पक्षी है जो कि अपना घोंसला लटक करके बनाती है। फिर कहता है, कौन ऐसा पक्षी है जो कि अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, लेकिन वह दूसरे, यानी नर पुरुष घोंसला बनाता है और मादा उसका चयन करती है, मादा को जो बढ़िया घोंसला लगता है उसमें जाकर के वह अंडा दे देती है। तो नर पक्षी नर बीवर बनाने वाला है और मादा बीवर जाकर के क्या करता है? उसमें अंडा दे देता है। पांच छह घोंसला को चेक करता है जो पसंद हो। मादा बीवर क्या करता है? मादा बीवर क्या करता है? उसमें जाकर के अपना अंडा देता है। समझ में आ गया? अपना अंडा देता है, याद रखिएगा। नर बीवर घोंसला बनाएगा सब नर बीवर, और मादा बीवर चेक करेगा जो उसको सहूलियत आरामदायक होगा उसमें जाकर के वो अंडा देगी। उसके बाद कहता है, कौन ऐसा
पक्षी है जो कि अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है तो वह है कोयल, या अपना अंडा जो है कौवे के घोंसले में जाकर के दे देती है। समझ में आ गया, यही क्वेश्चन है आप लोग का। अब फिर से एक बार देख लीजिएगा कौन अभी इंडियन रॉबिन क्या करता है, तो सड़क के किनारे पत्थर के बीच 360 डिग्री पर कौन, तो उल्लू। दर्जन चिड़िया क्या करता है, तो चोंच से पत्ते को सी करके अपना घोंसला बना ले। कौवा क्या करता है, तो पेड़ के सबसे ऊंचे ऊपर डाली पर अपना घोंसला बनाता है। कबूतर गोरैया पुराने घर में घोंसला बनाते हैं। फाख्ता क्या करते हैं, तो कैक्टस के पौधे और मेहंदी के मेड में जाकर के क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। मैना क्या करता है, अपना गर्दन झटके के साथ घुमाती है। शकरखेड़ा क्या करता है, तो पेड़ पर उल्टा लटक करके घोंसला बनाता है। उसके बाद नर बीमर क्या करता है, तो जगह जगह जाकर के घोंसला बनाएगा सब, और उसमें मादा जाकर के देखेगा इनकी सब सब घोंसला को जाकर के ट्राई करेगा। अब देखेगा नहीं अइमे बढ़िया से बने नहीं छे, ऐसा में सुते वाला व्यवस्था नहीं छे, यही जाकर के वो अंडा देते हैं। समझ में आ गया, ये कौन है, यानी ये अंडा देने वाला कौन होते हैं, तो मादा बीवर होते हैं, घर बनाने वाला नर बीवर होता है। उसके बाद क्या कहता है, कौन ऐसा पक्षी है जो कि अपना घोंसला कभी नहीं बनाता है, तो कोयल। ये सबसे क्या होते हैं, यानी ये इसका सब पालन पोषण कौन कर देता है, तो वही करता है। जब बड़ा हो जाता है तो अपने उठ जाता है। ठीक है, तो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हर एक सीटेट एग्जाम में आपके लिए यह रामबाण साबित होगा, और यह बेस्ट कंसेप्ट हम इधर उधर का बात न करके कम टू पॉइंट, कहां से सवाल आएगा वह डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर देंगे। ठीक है, इसको बार बार देखिएगा, 2 मिनट के वीडियो आपको जिंदगी बदल सकता है। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।